नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्र प्रकाश और आप देख रहे हो हमारा यानी आपका अपना यूट्यूब चैनल सस्ती ज़मीन बिकाऊ है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी सस्ती ज़मीन ख़रीदना चाहते हो या फिर बेचना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और किस ज़िले से हो, किस गांव से हो, और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर दे देना दोस्तों। अगर आप लोग सस्ती बिकाऊ ज़मीन आपको अगर चाहिए और अगर आप अपनी खुद की ज़मीन बेचना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग बेच सकते हो, क्योंकि यही मकसद है कि हम सस्ती से सस्ती ज़मीन लोगों तक पहुँचाऊँ और गरीबों को सस्ती ज़मीन मिल सके। और दोस्तों, अगर आप अपनी खुद की ज़मीन बेचना चाहते हो तो भी मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे रेट में बिकवा सकता हूँ। तो दोस्तों, चलिए, यह ज़मीन कहाँ की है और किसकी है, यह शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह जो ज़मीन आप लोग देख रहे हो, यह कानपुर देहात में यह ज़मीन है। जी हाँ दोस्तों, जस्ट रोड के बगल में ही यह ज़मीन है, और दोस्तों बगल में नहर भी है जो कि आगे उतर के वीडियो में आपको दिखाई देगा। तो यह ज़मीन जो है दोस्तों, यह सड़क के बगल में है और उपजाऊ ज़मीन में है। जी हाँ दोस्तों, उपजाऊ मिट्टी में यह ज़मीन है, और दोस्तों यहाँ पर समरसेबल की भी व्यवस्था है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपना अगर खुद का समरसेबल करवाना चाहते हो तो भी हो जाएगा। और दोस्तों, अगर ज़मीन के मालिक का जो समरसेबल है, अगर आप लोग ज़मीन खरीदोगे तो आपको समरसेबल भी फ्री में मिल सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर बगल में भट्ठा भी है, और अगर आप लोग चाहते हो कि भट्ठे में माटी देकर भी कमाना चाहते हो तो यहाँ पर भट्ठे के लिए माटी भी देकर कमा सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी खुद की फैक्ट्री भी कोई लगा सकते हो, या फिर एग्रीमेंट करा के भी इस ज़मीन को अच्छा पैसा कमा सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर बता दूँ उपजाऊ मिट्टी के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर सभी प्रकार की फसलें हो जाती हैं, जैसे गेहूँ, गन्ना, अरहर, चना, मटर, उड़द, मूंग, सभी प्रकार की यहाँ पर फसलें हो जाती हैं। और दोस्तों, यहाँ पर समरसेबल की बात की जाए तो दोस्तों, यहाँ पर वाटर लेवल की अगर बात हम करें तो दोस्तों यहाँ पर वाटर लेवल बहुत ही ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 60-65 फीट पर यहाँ पर सभी समरसेबल चल रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर बात करें अगर लाइट की व्यवस्था की, तो यहाँ पर लाइट की भी व्यवस्था ज़मीन के मालिक ने खुद की है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर 20-22 घंटे लाइट रहती है, जो कि ये देख सकते हो आप, बगल में ही ट्रांसफार्मर भी है। तो ट्रांसफार्मर ज़मीन के मालिक ने खुद ही रखवाया है, और अपने समरसेबल के बगल में ही ट्रांसफार्मर को रखवाया है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर ज़मीन की बात की जाए तो कितनी ज़मीन है, तो दोस्तों यहाँ पर 500 एकड़ यह ज़मीन है। जी हाँ दोस्तों, 500 एकड़ ज़मीन है, और यहाँ पर 1 एकड़ में 1.5 बीघा होता है, और 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है, और 1 बिस्वे में यहाँ पर 1285 स्क्वायर फीट होता है। जी हाँ दोस्तों, कहीं पर 1350 स्क्वायर फीट होता है, कहीं पर 1285 स्क्वायर फीट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 1285 स्क्वायर फीट है। और दोस्तों, अगर इसकी तहसील की बात की जाए तो डेरापुर इसकी तहसील है, और दोस्तों इसकी ब्लॉक की बात की जाए तो ब्लॉक भी इसका डेरापुर है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इसकी ब्लॉक की तो इस ज़मीन से दूरी की बात की जाए तो लगभग 7 किलोमीटर दूर पर यहाँ पर ब्लॉक है। और दोस्तों, अगर इसकी हम मेन हाईवे से रोड लिंक की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूर पर यहाँ पर मेन हाईवे है, जो कि ये सड़क उसी से लिंक है। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ज़मीन के रेट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर ज़मीन का रेट बहुत ही सस्ता है। जी हाँ दोस्तों, ज़मीन का रेट बहुत ही सस्ता है। ज़मीन के मालिक
या इसे बहुत ही सस्ते में बेच रहे हैं, क्योंकि इनकी कुछ मजबूरी है जो कि इस ज़मीन को सस्ते में ही बेच रहे हैं। तो दोस्तों इनकी मजबूरी क्या है, इनके घर में इनकी वाइफ को ब्लड कैंसर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इनकी वाइफ को ब्लड कैंसर है। तो दोस्तों इनको जल्दी इनको खून को बदलवाना पड़ता है, यानी ब्लड को बदलवाना पड़ता है। तो इसलिए इनके पास उतनी पैसे नहीं है जिससे यह उनका इलाज करा सकें। तो दोस्तों यह ज़मीन को बेचकर उनकी ब्लड की जो बदलाव होता है दोस्तों, उसी के लिए या इनको पैसे की ज़रूरत है, इसलिए इस ज़मीन को बेच रहे हैं। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस ज़मीन के रेट के बारे में, क्योंकि ज़मीन का रेट दोस्तों यहाँ पर 35,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, ज़मीन के मालिक का कहना है कि 35,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अगर कोई लेता है तो हम उनको दे देंगे। और दोस्तों यहाँ पर लिखाई का चार्ज भी बहुत कम है। जी हाँ दोस्तों, 15,000 से 20,000 रुपये प्रति बीघे प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर ज़मीन का लिखाई का चार्ज है। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर किसी बिजनेस के लिए ज़मीन को ले रहे हो तो दोस्तों बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। या तो आप यहाँ पर आप भट्टा खुलवा सकते हो, या फिर आप यहाँ पर कोई पोल्ट्री फार्म वगैरह या फिर कोई कंपनी लगवा सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको ज़मीन के मालिक का नंबर चाहिए तो दोस्तों ज़मीन के मालिक का नंबर आपको जो वीडियो चल रहा है उसके बगल में उसके नीचे डिस्क्रिप्शन जो है उसको ओपन कर लीजिए। और दोस्तों उस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जिस लिंक से आप लोग ज़मीन के मालिक का मोबाइल नंबर पा सकते हो। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि हम आप लोगों के लिए सस्ती से सस्ती बिकाऊ ज़मीन लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।